नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है सीआरटी टीवी पे है, सैमसंग की सीआरटी टीवी है, जिसपे हम आपको फॉल्ट जो दूर करके दिखाएंगे। हमारे कुछ दोस्त जो है सीआरटी का काम करते हैं, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। सीआरटी का ज़माना वैसे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी सेट जो है जिन लोगों के पास है आते हैं सेट बनने के लिए, तो मेरे पास एक सेट रिपेयर करने के लिए आया सीआरटी, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको ए बी मोड पे सिलेक्ट कर देते हैं हम, लेकिन इसमें वीडियो जो है डिस्प्ले नहीं होती है, बस साउंड आता रहता है। बाकी ओएसडी जो है डिस्प्ले पे अच्छी तरीके से आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए बी हमने लगा दिया है और इसमें मैं वीडियो कनेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है वीडियो कनेक्ट करने पर। दोस्तों, ऐसे साधारणता फॉल्ट इसमें क्या होती है, ये जो आपका लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, इसके बगल में दो पीएफ लगे हुए हैं और ज़्यादातर ये पीएफ फट जाते हैं, तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये पीएफ हीट भी था, मैंने पीएफ को चेंज किया और सेट मेरा ओके नहीं हुआ, तो मैंने इसको काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद मैंने जो पाया, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ मैं इसको शेयर करूँ। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ए बी एल की जो सप्लाई होती है वो जब मिस कर जाती है तो इस तरीके की फॉल्ट आती है। मैंने यहाँ पे चेक किया आईसी पे, एबीएल की पिंस पे, इसमें वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, जैसा कि मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। और ईएसटी पे एबीएल पिन पे भी वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण ये हमारी वीडियो स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये वोल्टेज कहाँ से आती है और इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए आईसी की पिन जो होती है उस पर एबीएल लिखा हुआ है, और एबीएल पिन पे जो है हमको वोल्टेज मेजर करके देखना है कि वोल्टेज, देखिए मेरे मल्टीमीटर में 179 मिली वोल्ट दिखा रहा है, जबकि ये करंट वोल्ट में होना चाहिए, करीब 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन ये सप्लाई मिली वोल्ट में है। एक बार मैं फिर आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, मिली वोल्ट में है, वो भी फ्लैक्चुएट कर रही है सप्लाई, कभी घट जा रही कभी बढ़ जा रही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब 432 इस तरीके की सप्लाई रीडिंग लिखा रहा मीटर, तो यहाँ पे जो सप्लाई हमारी वोल्ट में मिलेगी तभी हमारा एबीएल सही काम करेगा। और एसटी की एबीएल पिन पे मैं देखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ भी वोल्टेज आने चाहिए, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, करीब 7-8 वोल्ट के आसपास यहाँ भी सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी सप्लाई नहीं है, सप्लाई मिसिंग है। तो ये फॉल्ट हम दूर कैसे करेंगे, आइए इसको हम जानते हैं और समझते हैं। अगर आपके पास भी कोई सीआरटी टीवी आती है, इस तरीके का फॉल्ट आता है, तो आप भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसको चेक किया अच्छी तरीके से और मैंने यहाँ पे देखा, जैसा कि एक काली पट्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पर 125 वोल्ट की सप्लाई जाती है, काली पट्टी आप देख पा रहे हैं, जिस पर मैं चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पर 125 वोल्ट की सप्लाई ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो दोस्तों, ये सप्लाई जो है आपकी एसटी पे सीधे जाती है काली पट्टी के द्वारा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, जैसा कि देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस मैंने चेक किया, रेजिस्टेंस ख़राब थी, मैंने ओपन कर दिया इसको, और रेजिस्टेंस की एक साइड में मैंने पाया कि 125 वोल्ट सप्लाई है, दूसरी साइड पर कोई सप्लाई नहीं मिल रही थी, इसका मतलब 100% था कि रेजिस्टेंस ख़राब थी। तो मैंने रेजिस्टेंस ओपन करके रेजिस्टेंस चेक किया, रेजिस्टेंस ख़राब भी थी। तो इस पर आप कौन सी रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, और उसके बाद मेरा फॉल्ट कैसे दूर होगा, आइए जानते हैं। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी थी ये 100K की रेजिस्टेंस थी, 125 वोल्ट की सप्लाई पे यहाँ पे जो है काली पट्टी आती है, यहीं पे आपकी एक रेजिस्टेंस लगी होती है, और ये 100K की रेजिस्टेंस होती है, ध्यान रखें कभी कभी रेजिस्टेंस कलर कोड गायब हो जाता है, बर्न हो जाती है। तो ये 100K की रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दी है, उसके बाद हम सप्लाई अब चेक करते हैं कि मेरा सेट ओके हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, एक साइड पे 125 वोल्ट सप्लाई आ रही है और दूसरी साइड पे हम चेक कर रहे हैं, देखिए 8 वोल्ट सप्लाई आ गई है। अब एसटी की पिन पे हम चेक करेंगे, एसटी की पिन पे भी 7-8 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। अब इसका मतलब मेरी आईसी की एबीएल पिन पे भी सप्लाई पहुँच गई होगी, तो आइए उसको मेजर करके देखते हैं आईसी मेरी सप्लाई यहाँ पे पहुँची है कि नहीं आईसी की पिन पे, एबीएल पिन पे। जैसा कि देख पा रहे हैं 1.36 वोल्टेज जो है हमारी आईसी पे पहुँच गया है, इससे मतलब हमारा सेट अब ओके हो चुका है,
सेट को हम ऑन कर लिए हैं और आपको दिखाते हैं वीडियो लगा के कि मेरा सेट ओके हुआ कि नहीं हुआ है। मैंने इसको ए बी पे सेलेक्ट कर दिया है और उसके बाद हम इसमें वीडियो कनेक्ट करेंगे। मैंने अपने सेटअप बॉक्स ऑन कर दिया है और वीडियो यहाँ पे देखिए आ गया है, अच्छी खासी पिक्चर आपकी शुरू हो गई है। दोस्तों इस तरीके की कोई फॉल्ट अगर आती है तो आप भी इसे बहुत ही आसानी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नई 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 वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद आप सभी का।